हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं या रेड ब्लड सेल्स की कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया में शरीर में खून की कमी होने लगती है एवं शरीर के अंगों में ऑक्सीजन का पहुंचना कम हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में दोस्तों थकान महसूस होने लगती है। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में जो खून की कमी को आसानी से दूर करते हैं। अनार। अनार बहुत ही फायदेमंद है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के आदि मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी पाए जाते हैं। अनार को खून बढ़ाने का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। इसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है जो एनीमिया की शिकायत को दूर करती है, साथ ही साथ यह हाई ब्लड प्रेशर को घटाता है। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों टमाटर। भारतीय पाक पकवानों में टमाटर का एक विशेष महत्व होता है। इसे सब्जी बनाने से लेकर सलाद में, सूप के तौर पर, चटनी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। टमाटर में विटामिन सी, लाइकोपिन, विटामिन के पर्याप्त मात्रा में होता है जो रक्त को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, साथ ही साथ यहाँ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। विटामिन सी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक होता है। चुकंदर। चुकंदर के रस को सुपर जूस भी माना जाता है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है और खून के प्रवाह को बढ़ा देता है। इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन, मैग्नीशियम, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो आयरन की कमी को पूरा करते हैं। चुकंदर में पाए जाने वाले ये सभी तत्व खून को साफ करते हैं और शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं। अगर आपको कोई काम करते वक्त जल्दी थकान महसूस होती है तो ऐसा शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलने और ब्लड की कमी के कारण होता है। लेकिन अगर आप चुकंदर का जूस या सलाद खाएंगे तो आप बहुत जल्दी ही इस समस्या से निजात पा सकते हैं। पालक। पालक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पालक खाने से शरीर में संक्रमण का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। पालक में मौजूद विटामिन ए, मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पालक के सेवन करने से खून की मात्रा को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इसे आप जूस या सब्जी के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। अंडा और दूध। अंडा प्रोटीन, एमिनो एसिड्स और फैट का एक बहुत ही बड़ा स्रोत होता है एवं दूध में भी प्रोटीन और कैल्शियम का अद्भुत स्रोत होता है। इससे हड्डियां मजबूत होती है और ब्लड के बनने की क्षमता बढ़ जाती है। काजू। काजू में आयरन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन के गुण पाए जाते हैं। काजू के सेवन से शरीर में ताकत भी बनी रहती है एवं हमको इंस्टेंट एनर्जी भी आसानी से मिल जाती है। सेब एवं अंगूर का सेवन भी करें दोस्तों। सेब में आयरन की भरपूर मात्रा होती है एवं अंगूर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारी बॉडी में आयरन के अवशोषण स्तर को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।